मैं और मेरी वाइफ जो है वो चारधाम यात्रा पे गए हुए थे, पीछे से 3 तारीख की शाम को तकरीबन 5:30-6 बजे मेरे पड़ोसी जो हैं उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आपके दरवाजे खुले हुए हैं, शायद कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आकर के देखा तो ये जो साइड का दरवाज़ा है इसके इंटरलॉक और लॉक और जो कुंदे वगैरह वो टूटे हुए थे, और अंदर आने पे उन्होंने देखा तो सारा सामान अलमारी में जितने कपड़े वगैरह ये जो भी रूम्स में 2 रूम्स के जितने भी सामान थे वो सारे सामान बिखेर करके उसमें जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो वैल्यूएबल थिंग्स वो ले गए, और कुछ कैश था अनुमानित 10-15 हज़ार रुपये वो ले गए, बाकी जो दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें थी उनको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। लगभग कितने का माल था उन्होंने? अंदाजन 1.5 लाख रुपये के करीबन का चोरी है। इसमें चांदी मुख्य है क्या? हाँ जी कैश 15,000 रुपये। बाकी ये 3 तारीख को घटना हुई और मैं यात्रा से 6 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे लौटा, और 8 बजे लौटने के पश्चात फिर हम दोनों पति पत्नी ने सारा मौका मुआयना किया और देखा तो इसकी चोरी की गई जो चीज़ें गई उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इतनी है। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, कल शाम को कृष्णगंज थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसकी FIR की कॉपी भी मुझे मिल चुकी है। नाम अरविंद पारेख, 667 हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार, अजमेर।